इस्तकबाल मिलेगा, इंतजाम आएगा, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये बंदा वो है जिसका ताल्लुक सलामी बनने से है और ये फकत आपके खातिर अपने तमाम काम को छोड़कर यहाँ पर आए हैं कि हम अपने बच्चों को और इनकी काम के बच्चों को वो मोटिवेशन देंगे, वो इनको एजुकेशन देंगे कि वो काउंसलिंग करेंगे कि मेरा ये बच्चा जब कहीं खड़ा हो तो दुनिया इसे कहे कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कामयाबी हासिल की। और एक के लिए इख्तितामिया मैं एज उस्ताद को मानता हूँ, टीचर और एक बहुत बेहतरीन टीचर के फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। मेरा स्टूडेंट हर बच्चा इस मलिका को जानता है, ये उस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। इनके लिए फकत ये एक शेर कहूँगा कि ये कामयाबियाँ ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो दिया वो मुकाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबक में हो, जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है, जो मरना दिन में मरना दीजिए इंतजाम आएगा। थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने ये इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उनके नाम में, और दूसरी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में आए और आपने यहाँ आकर ये साबित किया कि औरंगी टाउन के नौजवान लड़के और लड़कियाँ कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ आकर आपने इस बात का सबूत दिया है कि आप किसी से कम नहीं हैं। अच्छा, तो यार देखिए चक्कर क्या है, इस वक्त आप लोगों को, हमारे नौजवानों को, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप क्या होता है, किसी रास्ता दिखा दे कोई। अच्छा, मेहनत तो यार सब लोग कर रहे हैं, मेहनत तो अपने अपने दर्जे से हर कोई कर रहा है, लेकिन मेहनत करनी किस चीज़ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको पता चल जाए तो बहुत सही हो जाता है, क्यों, अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है बल्कि आपको सही रास्ते में आने के लिए जितना आप आगे चलेंगे उतना ही वापस आना पड़ता है। अच्छा, मैं सब लोगों की तवज्जो चाहूँगा। अच्छा, जैसा कि इस प्रोग्राम का टाइटल है करियर काउंसलिंग, अच्छा तो आप सब लोगों का जो भी सवाल है आपके जहन में, आप मुझसे कोई भी प्रवाह के द्वारा एक सवाल पूछे मुझसे, ताकि मुझे थोड़ा सा ऑडियंस का भी पता चले डायनेमिक्स का और आपके मसाइल का। वैसा तो मुझे पता है क्योंकि मैं खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन करंट अभी जो अफेयर चल रहे हैं यूथ के, उनका भी जरा मुझे अंदाजा हो, तो कोई भी किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है कोई। हाँ भाई, अच्छा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए ये टू वे कम्युनिकेशन है। अच्छा, मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके दरमियान रहने वाला आप ही के जैसे एक स्टूडेंट जो आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ। अच्छा, तो आप में से किसी का कोई सवाल करियर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हूँ कि यार क्या पढ़ाई करें, क्या करें, कैसे प्रोसीड करें, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूँ, मैं जवाब देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। जी प्लीज आप लिखो। सर मेरा नाम मोहम्मद है और मेरा कोई तारुफ नहीं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं इनको ये बता दीजिए कि इनिशियली $200 कैसे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपका सलामी आई डी ट्रेनिंग से ताल्लुक है और आप तो इनके लोग में वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने यार कि $200 महीने के कैसे बनाए जाते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छा, क्या यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं क्या सब लोग $200 कमाना चाहते हैं? आवाज अगर जोर से आएगी तो फिर मैं मोटिवेट होगा, क्योंकि यार सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो मुझे चाहिए ना यहाँ पे बोलने के लिए, तो जोर से जरा बोले क्या सब लोग गुड, क्योंकि जब तक मुझे आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं फिर क्या बात करूँगा यार। अच्छा, सबसे पहले तो यार देखिए समझने की बात क्या है, सबसे पहले बहुत गौर से आप ये चीज समझ लें कि दुनिया में आसान काम के कोई पैसे नहीं है।
आसान नाम जितने भी है ना उसके कोई पैसे नहीं। अच्छा क्यों? उसका रीजन ये है। अच्छा यार टाइम जैसे खत्म होगा तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मुझे पता नहीं लगता टाइम क्योंकि मैं बातों नहीं मिलता हूँ, बातें करने में मजा आता है। अच्छा तो आसान काम के लिए पैसे वैसे नहीं है। अच्छा रीजन मिसाल से समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मैंने एक पान की दुकान खोली और मैंने एक बंदा रखना है। अच्छा अब मैंने कहा यार कोई बंदा चाहिए मुझे, बंदा रखा मैंने पान की दुकान पर। भाई बहुत अच्छा चल रहा है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, बहुत अच्छी कमाई हो रही है। 6 महीने बाद उसने मुझे कहा, पहले तो मुझे ये बताया कि पान की दुकान में बंदा मैं रखूंगा उसको मुझे सैलरी कितनी देनी चाहिए। हाँ भाई कितनी सैलरी देनी चाहिए? 12,000। अच्छा तो लोग कह रहे हैं 12,000 देनी चाहिए, यहां से तो कोई जवाब नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है 3,000। गुड जबरदस्त। अच्छा अब तो नहीं, चलो मेरा दिल थोड़ा सा बड़ा है, मैंने 12,000 दे दिया। अब वो 6 महीने बाद मुझसे कह रहा है कि सर 12,000 में कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी सी बढ़ा दें। मेरा फला दोस्त है वो तो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में काम करता है, वो तो इतने इतने सौ डॉलर कमाता है। अब मैंने कहा कि यार चलो बात तो सही है, टाइम पे दुकान भी खुलता है और सारी चीज़ें भी सही कर रहा है, पैसे भी बड़ी ईमानदारी के साथ है, दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं। तो मैंने कहा कि थोड़े पैसे बढ़ा देता हूँ। अब 6 महीने हो गए हैं, देखो कितने सारे फायदे मैंने गिनवा दिए उसके, कितने पैसे कर दो उसके अंदर लड़कों। हाँ 20,000 कर दो, 14,000 करते हैं। बात किया देखो कि भाई 12,000 था, 2,000 हुआ, 14,000 हो गए। अच्छा अब 6 महीने और गुजरे, अब मेरे पास दोबारा आया गाँव में मेरी शादी है, मेरे भाई पैसे ही नहीं, थोड़े पैसे मेरे और पड़ा, अभी 1 साल हो चुका है उसको पूरा, कितने कर दूँ? 17,000। बच्चे थोड़े देर है और मुँह रखा हुआ है जवाब, वो कह रहे सर सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट करता है मेरा दोस्त, AI की इंडस्ट्री में काम करता है, वो तो $200 कमाता है, तो आगे काम मेरे कम से कम मेरी आप पाकिस्तानी 50,000 पकड़ते हैं, क्या कह रहे हैं? कर देना चाहिए। हाँ भाई कर देना चाहिए, 50,000 कर दो। नहीं करनी, मैं तो नहीं करूँगा भाई, तुम लोग कर दोगे मैं नहीं करूँगा। मैं कहूँगा मेरे भाई 50,000 में आपके जैसे 5 आएंगे, 50,000 में आपके जैसे कितने आएंगे? 5 आएंगे आपके, 5 में तो 4 ही जाएंगे 12,000 के साथ। अच्छा तो अब देखिए चक्कर क्या होगा, क्योंकि काम आसान है ना, काम आसान है वो नहीं करेगा पीछे दूसरा बंदा खड़ा, तो आसान काम में कोई पैसे नहीं होते भाई। ऑन अदर हैंड आप देखें जो इंजीनियर हैं, ये जो पुल वगैरह बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, इनको पढ़ाई करने में लगते हैं 10 साल, तो यार इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 1.5-2 लाख। डॉक्टर्स को आप देखें 4 साल के MBBS होते हैं, उसके बाद 4 साल के हाउस जॉब होता है, फिर MBBS होता है, पता नहीं क्या होता है, तो आप इनकी स्टार्टिंग सैलरी देखें 50-60 हज़ार तो होती है। तो हमने ये सीखा सबसे पहले कि जो काम जितना मुश्किल है उसके पैसे उतने ज़्यादा हैं। अच्छा क्योंकि वो किसी और से होगा नहीं और सप्लाई और डिमांड बनी रहेगी, तो आपकी डिमांड होगी आपकी, अगर आपको कोई रिप्लेस करना चाहेगा उसको लगेगी बहुत मेहनत, तो आपको रिप्लेस करना इतना आसान है नहीं। अच्छा अब एक चीज़ फर्क, कोई मसला नहीं है, मेरी आवाज इतनी तेज तो है कि मैं बगैर माइक के भी थोड़ा बहुत तो बोल ही लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अच्छा एक चीज और समझे, पहली बात हमने क्या सीखी, आसान काम के कोई पैसे नहीं है, मुश्किल काम जितना मुश्किल है उतने ज्यादा उसके पैसे हैं। अच्छा मुश्किल काम का यह मतलब नहीं है वो काम मुश्किल गधा भी करता है, गधा कितना बोझ उठाता है, काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है। अच्छा तो एक बात तो हमने ये समझ ली, अब नंबर 2 बात हमें समझने की जरूरत है, नंबर 2 बात समझने की जरूरत यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी, मैं बहुत बोल्ड क्लेम करने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। मैं आप सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा, मुझे तवज्जो नजर नहीं आ रही होगी,
अच्छा, तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है ना वो जीरो हो चुकी है। वो क्यों जीरो हो चुकी है? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी और आईटी की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में कितनी ज्यादा तरक्की हो गई है और कितनी तेजी से हुई है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो उसको पिक नहीं कर पा रहा, उसके साथ चल नहीं पा रहा। अभी इस वक्त जिस टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी कोई बुक नहीं है। मैं 2016 से उस पर काम कर रहा हूँ कि मैं उसके बारे में बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर अभी तक कोई बुक नहीं है। वो मैं पढ़ा सकता हूँ आपको सिर्फ उसको, और दुनिया में आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। या मेरा कोई स्टूडेंट होगा, अभी मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं इनवाइट करता हूँ। तो आप ये देखें कि यार, मैं अगेन आपको पानी की दुकान की एग्जाम्पल देता हूँ। भाई मैंने पानी की दुकान खोली, अब मुझे पानी की दुकान पर बंदा रखना है। अब मेरे पास बंदा आया, उसने कहा सर मैंने तो अमेरिका से कोर्स किया है पान लगाने का, ये देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट डिग्री है मेरे पास। अब मैं क्या जवाब दूं उसको, क्या बोलूं उसको? जोर से हाल के। अच्छा तुम लोग को पता नहीं क्या बोलोगे, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मेरे भाई कोर्स तो आपने किया अमेरिका से पान लगाने का, ठीक है, गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब आप ये करें कि डिग्री को रखिए ना, बोला यहाँ पे बैठ के ना मुझे एक पान को लगा के देना है, कैसा लगाते हैं आप? अब आएगा तो रखूंगा आपको, वरना फिर आप एक और कोर्स करेंगे इससे अच्छा पान लगाने का। तो चक्कर ये हो गया मेरे भाई कि जितनी भी डिग्री है ना यूनिवर्सिटी की। अच्छा मैं अगेन, मैं कोई भी किसी को भी मैं ये मशवरा नहीं दे रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी छोड़ दे, मैं कभी भी ये किसी को नहीं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी छोड़ दे। भाई करते रहे वो बेसिक तालीम है। बेसिकली स्कूलों का काम ये होता है कि आपकी बेसिक तबीयत कर दें, आपको जरा तमीज सिखा दें कि लोगों के आगे बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, मामला को कैसे लेके चलना है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ा देते हैं आपको, थोड़ी सी साइंस की बेसिक पढ़ा देते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा उनका काम है नहीं कि उससे ज्यादा उनका एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसमें मुझे एक चीज नजर आई, चैट बॉट।
और वॉइस एप्लीकेशन। अब ये चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन क्या चीज है? ये एक नए तरह के कंप्यूटर है। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, बहुत गौर से सुनेंगे तो ये बात समझ आएगी, क्योंकि बाद में मुश्किल है। ये एक ऐसे नए किस्म के कंप्यूटर है जिनसे आप बोल के बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे आप बात करते हैं और ऐसे वो जवाब देते हैं। अच्छा, अभी आप में से जिन लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है एंड्रॉइड, आप उसका होम बटन प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर तो वहां से गूगल असिस्टेंट जाते हैं। अच्छा, आप सब लोग ये एक्टिविटी अभी करें, जिनके पास स्मार्टफोन मौजूद है आप उसका होम बटन प्रेस करें थोड़ी देर और आप उसको बोले सेट अलार्म आफ्टर कितने मिनट फ्रॉम नाउ, 6 मिनट या 10 मिनट, वो यूं अलार्म सेट कर देगा। अच्छा, तो ये नए किस्म का कंप्यूटर है। अच्छा, तो मैं इस नए किस्म के कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूं और ये सारा AI पावर्ड है। अच्छा, चैट बॉट का तो आपको शायद इतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 2016 में तो उस वक्त तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि यार जमाने में ये क्या हेलो हेलो कितने करते हैं। उस वक्त ये गूगल असिस्टेंट के डिवाइसेस की आनी होती थी, तो मैंने एक बोर्ड करवाई थी बड़ी महंगी, तो वो मुझे दोस्तों ने कहा यार क्या आपने मंगा लिया है, महंगा क्यों आया आपका ये, लेकिन अब उनको समझ आ गया। अच्छा, तो अच्छा मुझसे मेरे दोस्त ये भी पूछते हैं आपको उस वक्त क्या ऐसा नजर आ गया था जिसकी वजह से आप चैट बॉट में इतना इन हो गए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत गौर से सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ, जो आप में से आशिक रसूल है वो तो बड़े गौर से सुनेंगे और पूरे फायदा उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे और हम नहीं उठा रहे। अच्छा, तो देखें ये मैंने ये तो तोड़ दिया, ये सिलसिला तो तोड़ दिया, मैंने फायदा उठा लिया इससे। अच्छा, वो क्या हदीस है? अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हुए सुना कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जूती का तस्मा आपसे बात न करे। उसमें तीन चीज़ों का जिक्र है, एक प्रेडेटर्स का जिक्र है कि परिंदे आपसे बात करेंगे, नंबर दो टिप ऑफ अ व्हिप का जिक्र है आपकी छड़ी का सिर आपसे बात करेंगे, और जूती के तस्मे का जिक्र है। अच्छा, तो मैं इस हदीस से क्या मतलब ले रहा हूँ कि जूती का तस्मा आपसे बात करेगा का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो सब आपसे बात करेंगे, यहाँ तक के जूती का तस्मा की बात करेगा, ये मैं मतलब ले रहा हूँ इससे। अच्छा, और यही हदीस थी जिसकी वजह से 2016 में मैं इस फील्ड में एंट्री हो गया। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वेब डेवलपमेंट, AI, चैटबॉट, वॉइस एप्लीकेशन, ये इतनी नई टेक्नोलॉजी है कि आपको मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी में चले जाएं ये चीज़ें आपको उसके सिलेबस में खत्म नहीं होंगी, आएंगी आज से 5 साल बाद। इस पर कोई बुक मौजूद नहीं है, वॉइस एप्लीकेशन पे, चैटबॉट पे कोई अच्छी बुक मौजूद नहीं है। ChatGPT अभी एक आ गया, ये पूरा फ्रेमवर्क है AI का, ये पूरी AI की दुनिया को खाने वाला है। अच्छा, लेकिन लोग आपको इवन अमेरिका में भी ना जो प्रेस बात कर रहा है इसके बारे में, वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इससे आप ईमेल लिखवा लें, इससे आप वो पैराग्राफ सही करवा लें और इससे आप जो है ना वो कोई गाने की लिरिक्स लिखवा लें, मगर वो असल फ्रेमवर्क को इस काम के लिए नहीं बना। वो है चैटबॉट डेवलपमेंट का पूरा फ्रेमवर्क, वो पूरी AI का फ्रेमवर्क है। इवन दो कि वो टेंसरफ्लो और केरास को भी ऐसे रन कर देते हैं, जिन लोगों को नाम पता उनके लिए कह रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो इग्नोर कर। तो हम आप सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आपने ऐसे ग्राह में आप खुला कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर में दूर दूर तक नाम नहीं, तो मैदान पूरा खाली पड़ा आपके लिए। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मैंने कर दी कि यार AI की टेक्नोलॉजी आप सीखेंगे, आप चैटबॉट सीखेंगे, आप वॉइस एप्लीकेशन सीखेंगे, लेकिन ये सीखेंगे कैसे? अब मैं वो आपको बता, क्योंकि सिर्फ बातें ही ना यार, कुछ रास्ता भी तो बता के जाऊँ। अच्छा, नंबर एक बात, यहाँ पे जो वॉर्स आई है और ये जो हेल्पिंग हैंड्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2-3 महीने बाद IT की लैब शुरू करने जा रही है, मुझे जैसा कि बताया गया। तो यहाँ पे ये कोर्सेज करवाए जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे या तो मैं मौजूद हूँ पढ़ने के लिए या मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो तो 2 महीने आगे की बात है, अभी क्या करें। अच्छा, मैं आपको आज कोई एक्सक्यूज आपका मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ पे,
कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि सर वो तो दो महीने बाद शुरू होगा, तो अभी हम क्या करें। मैं एक एक एक्सक्यूज आपका यहाँ पर खत्म करके जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे जाने के बाद ना अगर आपने ये पढ़ाई नहीं की तो इसमें कसूर सिर्फ आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। अच्छा, दो महीने बाद लैब शुरू होने वाली है, अभी क्या करें? अभी फौरी तौर पर आप सैलानी में एडमिशन ले सकते हैं। सैलानी में ये कोर्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मेरे कुछ स्टूडेंट थे वो भी पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे टीचर्स की पूरी टीम है, पूरे पाकिस्तान में अपने कोर्सेज शुरू करवा दिए हैं। वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है, वहाँ पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं। नेशनल स्टेडियम जैसे बड़ी जगहों पर टेस्ट लेते हैं, 20,000 स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें से एडमिशन मिलता है सिर्फ 3-4 का, तो वहाँ पे फौरी तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जाके फॉलो करेंगे फेसबुक पे, SMIT लिखेंगे आप तो वो आ जाएगा पेज। अच्छा, अगर दोस्त हमारे खोल के दिखा सकें यहाँ पे तो बहुत सही रहेगा। या आप लिखेंगे सैलानी मास ट्रेनिंग तो वो उनका फेसबुक का पेज आ जाएगा, वहाँ पे सारी अनाउंसमेंट होगी। अच्छा, तो मैंने आप ये नोट करते जाए सब लोग, तो नंबर एक मैंने आपको बताया कि लैब खुलेगी 2 महीने बाद, उसमें आपने आना है। नंबर एक, नंबर दो, यहाँ सैलानी में आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर वहाँ पर तो एंट्री टेस्ट होता है, अगर हम उसमें पास नहीं हुए तो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर तो हम नहीं ले पाएंगे एडमिशन। और वहाँ तो यार वो सिर्फ 3-4 हज़ार लोगों को एडमिशन देते हैं, वो भी 6 महीने बाद एडमिशन आता है, अब हम क्या करें? अब मैं आपको तीसरा रास्ता बता रहा हूँ, ये सारे एक्सक्यूज मैं आपके खत्म करके जाऊँगा। अच्छा, मैं जो कोर्सेज सैलानी में पढ़ाता हूँ उसकी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा, तो एग्जैक्टली जो कोर्स मैं सैलानी में पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, youtube.com खोलेंगे। अच्छा, ये अच्छा नहीं, फेसबुक पे आप जाके लिखते हैं SMIT। अच्छा, तो एग्जैक्टली जो कोर्स मैं सैलानी में पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने घरों पे बैठ के पढ़ सकते हैं, youtube.com खोलेंगे, वहां पे जाके आप लिख लीजिए मेरा नाम इंतजाम मलिक, ठीक है, INZAMAM। अच्छा, मेरा नाम ऐसे एक बार इसको बता दो, भूलता तो नहीं है, दुनिया में बहुत कम लोगों का नाम है, शायद 2 ही लोगों का, एक क्रिकेटर है और एक नाम है, तो इंतजाम मलिक आप लिखेंगे youtube.com पे जाके तो मेरा नाम आ जाएगा और चैनल आ जाएगा मेरा। अच्छा, उस चैनल में आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे मैंने आज तक जितनी क्लासेस पढ़ाई हैं, ये आ गया SMIT का पेज फेसबुक पर, जिसको आप फॉलो कर लें, यहाँ पे जब भी एडमिशन आएंगे ना आपको यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, और वॉच भाई मुझे ये बता रहे थे कि जब यहाँ पे एडमिशन आएंगे तो आप लोगों को बॉस भाई स्पेशली जो इनका एंट्री टेस्ट होता है उसके लिए प्रिपरेशन भी आपको बता देंगे, ठीक है। सारे एक्सक्यूज मैं इंशाल्लाह खत्म करके जाऊँगा। अच्छा, और कोई एक्सक्यूज तो नहीं रह गया आपका? अच्छा, अब जरा गूगल पे जाके लिखते हैं, गूगल पे जाके लिखते हैं इंतमाम मलिक। अच्छा, हल्का सा स्क्रॉल करें, यूट्यूब आ रहा है मैम, ये आ गया यूट्यूब तीसरे नंबर पर। अच्छा, किस पे चले जाए? प्लेलिस्ट में देख लो, सब लोग थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। प्लेलिस्ट में जाओ, ये जितनी मैंने क्लासेस पढ़ाई है ना सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये इस पर 100-100 वीडियो है, 2-2 घंटे की वीडियो है और कंप्लीट लेक्चर है, ये शॉर्ट कोर्स कोर्स नहीं है, आपने 5 मिनट में देखा हो गया, प्रॉपर जो पढ़ाई होती है ना उसके 2 घंटे के लेक्चर होते हैं, लेकिन 100 वीडियो है, 2 घंटे का एक लेक्चर है, आप आराम से घर पर पंखा चला के और बैठ कर शाम के टाइम आप देखें और आप प्रैक्टिस करें इसकी, तो आप सेम एजुकेशन ले जाओगे जो आप सैलानी में जाके लेंगे या यहाँ पे लैब में आप आके लेंगे। अच्छा, मगर वो जाहिर है, मुझे ये बात पता है कि जब वीडियो देखता है बंदा जहन में कोई सवाल आता है तो पूछेगा किससे भाई, वो तो मसला हो जाता है, तो इसलिए ये सबसे लास्ट रखता है, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर रिलाय करें, आप फिजिकल क्लासेस पे रिलाय करें, या तो आप बॉस भाई की कोचिंग में पढ़ें या तो आप सैलानी में जाके पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे आखिरी बात करके मैं आपकी बात को खत्म करता हूँ, आप सब लोगों के जहनों में मुझे पता है स्टिल बहुत सारे सवाल होंगे और आप सब लोगों के जहनों में एक शक भी होगा कि यार पता नहीं तमाम भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये सच है भी या नहीं, ये तो होता है ना यार, पता नहीं सच है या नहीं, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि हमारे लोगों ने झूठ इतना बोला है ना, बदकिस्मती है टीवी पे आके और पता नहीं डिफरेंट किस्म के वो सेमिनार उस तरह के ना, इतना झूठ बोला है कि सच भी ना झूठ लगता है। अच्छा, तो मैं आपने ना जरा एक दो स्टूडेंट को बुलाता हूँ, आते हैं तो मैं जुबैर भाई हैं, जुबैर आ जाओ, पहले उजैफा आ जाओ,
पहले लग पा रहा हूँ। अच्छा इनसे मिले भाई, ये बताया था ये स्कूल कोई चाइल्ड है कहले आप, मेरी अंदर तो चाइल्ड नहीं है भाई। अच्छा देखिए आप छोटे से बिल्कुल तब भी छोटा था ये स्कूल जाते हैं, अभी इनका स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज शायद अभी शुरू हुआ, ये आपको बताएंगे अपने बारे में। अच्छा ये आज से एक साल पहले सीट में इन्होंने शुरू किया था सैलानी में वेब डेवलपमेंट, ए आई वेब डेवलपमेंट, ए आई का कोर्स थोड़ा एडवांस है, ये अब उसमें एडमिशन लेंगे नेक्स्ट। आज एक साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसे भी कमा रहे हैं। अच्छा मैं यही बोलूंगा कि कितने पैसे कमा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं होगी ना, पैसे पूछना ही पैसे, लेकिन इतना कमा रहे हैं कि घर वालों से लेने के बजाय उनको दे रहे हैं। तो अगर इतना कोई आपने से कमाना शुरू कर दे कि घर वालों से लेने के बजाय उनको देना शुरू कर दे तो ये अच्छी बात है या नहीं है, जोर से जरा बोलो अच्छी बात है या नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अच्छा और अभी मैं हुज़ैफ़ा भाई का आपको नंबर भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा मैं अपना नंबर इसलिए नहीं दूंगा कि मैं थोड़ा मजबूत होता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊंगा। अच्छा तो हुज़ैफ़ा भाई जरा अपने बारे में बताएं और अपना जरा फोन नंबर भी व्हाट्सएप का नंबर भी इनसे शेयर करें ताकि ये जो जितने बैठे हैं इनके जहन में कोई भी सवाल हो तो ये आपसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट से और ये प्रोग्रामिंग से जो बेसिक जर्नी है वो एक साल पहले स्टार्ट हो गई और मैं एक लकी पर्सन हूँ जो इनिशियली मेरे तर्जुमान के साथ पढ़ा, पर्सनली होम टीचिंग मेरे तर्जुमान के लिए, जिसके लिए जॉब किसी भी प्रोडक्ट के लिए आई थी वो पॉसिबल नहीं होगा, इस वजह से मैं उसको सबसे ज़्यादा लकी कहता हूँ। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने कोर्स कम्प्लीट करा SMIT से, यहाँ पर सर अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट वगैरह पर आ रहे हैं। वहाँ से कोर्स कम्प्लीट करने के बाद में कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं यूरोप और अरब कंट्रीज में, जहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हैं और वो सब ये है कि प्रोजेक्ट लेने से प्रोजेक्ट गेट करने से लेकर उसको कम्प्लीट करने से के लिए सब तीनों की गाइड मिले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंटर्स ने वो दी। और इंशाल्लाह जो आने वाली जो जनरेशन है और जो नई है जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी उनके लिए भी सर भी मौजूद है उनके। आपने सबने इनका नंबर नोट कर लिया। अच्छा अब यार आप देखिए ज़ैफ़ा जो है ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में रहकर रिमोटली बाहर की कंपनीज के लिए जॉब कर रहे हैं अमरीका। अच्छा मेरी ये कोई भी बात जो मैं कर रहा हूँ ना सारी बातें आपने करनी है ज़्यादा कॉस्ट है, आप सब लोगों के पास घरों में इंटरनेट मौजूद है, मेरी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी मैंने बातें की है ना आपने जाके उसको सर्च करना है और उसको चेक करना है कि क्या इस जमान में सही बात करके गए, क्योंकि भाई मैं तो पाकुनी आदमी हूँ, लंबी लंबी फेंकता भी हूँ कभी, तो आपने मेरी बातों को क्रॉस चेक करना है जाके। मेरी बातों में जो आ गया ना सबसे बड़ा बेवकूफ है, आपने मेरी बातें सुन के क्रॉस चेक करना है तभी आपको पता चलेगा कि मैं सही बात कह रहा हूँ। अच्छा क्या बात कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अमरीका में इस वक्त जो बेस प्राइस है जो बेस सैलरी है एक जो झाड़ू लगाने वाले को मिलती है वो $15-16-20 घंटे के मिलता है, उस उनकी करेंसी के हिसाब से $15-20 उनको मिलता है। अच्छा तो जाहिर है जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको 15-20 थोड़ी मिलेगा, उसको तो कम से कम 50 तो मिलेगा बराबर। तो आपने क्या करना है यहाँ पे रह के अमरीका में आपने काम करना है, अगर वहाँ के डेवलपर को 50 देता है $50 घंटे के देता है तो क्या आप $5 घंटे के भी नहीं दे सकता? आपको आप $5 घंटे के मांगेंगे तो क्या आपको मना कर देगा? कभी भी नहीं करेगा। आप $5 लगा लें जरा पाकिस्तानी कितने बनते हैं, कितने का चल रहा है डॉलर? 300 का हो गया काइंड ऑफ, कितने का है? $5 $1500 का बनता है पाकिस्तानी। आप अगर 6 घंटे काम करेंगे उनके लिए तो ये कितने हो गए? $9,000 हो गए एक दिन के। अच्छा स्टिल मैं कहूँगा मेरी बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप इसको जाके गूगल करें कि अमरीका में एक झाड़ू लगाने वाले को या गैस स्टेशन में जो पेट्रोल भर रहा है उसकी सैलरी क्या है, उसको पर आवर क्या पैसे मिलते हैं, या खुद जाके आप करें। अच्छा जो अमेरिका में रह के कमा रहा है ये पैसे जो अमेरिका में रह के कमा रहा है
वो देता है अमेरिका की गवर्नमेंट को 40% टैक्स, हमारे जो 17% है ना वहाँ 40% है, ये भी आपने क्रॉस चेक करना है। तो वो जो कमाएगा ना महीने में वो 40% देगा टैक्स, हमें यहाँ पर कोई टैक्स ही नहीं देगा, आईटी के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है भाई। तो टैक्स फ्री आपको मिलेंगे, और मैं ये कह रहा हूँ ये छोटी बात है, 5 करोड़ आपको 50 भी मिलेंगे अगर आपको काम अच्छा आता होगा ना, आपको 50 भी मिलेंगे। अच्छा सुबैर भाई भी माशाल्लाह इनको तो 4-5 साल हो गए और ये पढ़ा भी रहे, और जुबैर भाई अपने बारे में बताएं और अपना फोन नंबर भी दें ताकि इनके सवाल हो ना कोई तो आप पूछ सके। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर शेख है, जैसे सर ने बताया सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे। अच्छा मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जहाँ पे मैं रिमोटली वर्क करता हूँ। अच्छा यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनको रिमोट के बारे में नहीं पता होगा कि ये रिमोट वर्किंग क्या होता है। अच्छा कितने ऐसे हैं जिनको पता है कि रिमोट वर्किंग क्या होता है? देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस को नहीं पता, तो ये हमारी जो है ना ये गलतियाँ हैं, हमारा माइंडसेट ही गलत नहीं हुआ कि रिमोट वर्किंग भी कुछ होती है। रिमोट वर्किंग का ये मतलब होता है कि आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी में घर पर बैठे बैठे उनके लिए काम करें। तो सर ने जितनी बातें की ना ये 100% ऑथेंटिक है, इसमें जरा परसेंट भी जो है ना 1% भी झूठ नहीं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने दूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटोमेटेड कंपनी, आप सर्च कर सकते हैं इसको बिल्कुल, ऑटोमेटेड कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग में काम करती है, वहाँ पर मैं एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और इसके अलावा मैं सर का भी स्टूडेंट हूँ, 4 साल पहले मैंने सेनानी महासैनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर के कोर्स पर मैं इनरोल था, इनसे ही मैंने वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट सीखी, और उसके बाद में अब ऐसा माइंड में एज अ ट्रेनर सर के साथ टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हुई जब हमारा माइंड सेट लगा, और इनके टाउन में बिलखसूस माइंड सेट नहीं लगा हुआ, ये चाहते हैं 35,000-40,000 वाली जॉब मिल जाए तो बहुत है, घर चलेगा सुकून से, आगे अगर काम से आने के बाद जो सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। इनको आगे का पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई, चाह रहे भी नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रगुजार मैं हेल्पिंग हैंड्स का भी हूँ कि ये इस तरह के इवेंट्स करवा रहे हैं कि लोगों की करियर काउंसलिंग हो, जैसे कि अभी हो रही है। सर ने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो इसको ऑथेंटिक नहीं ले रहे, समझ रहे सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं है कि आप भी कर सकते हैं, बस आपको करने की जरूरत, आप अपना माइंड सेट चेंज करें। आप CIT वगैरह में एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने अभी अपने घर पे भी एक कोर्स लॉन्च किया था वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का अपने रूम में, जो जहाँ पे मैं अपने दोस्तों को सिर्फ टीच करना चाहता था। अच्छा उसमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सर ये कौन सा कोर्स है, इससे क्या होगा, सर CIT सिखा देंगे आप, हमारे बच्चे अभी तक CIT में लगे हैं जो ऑफिस सीखना चाह रहा है, यार ऑफिस क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मैं तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप अपना माइंडसेट को ऊपर ले जाएं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो आएं, आप वेब डेवलपमेंट पर तो आएं, आप ऐप डेवलपमेंट पर आएं, हमें ये नहीं करना। तो सैलानी ये काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद भी वहाँ से सीखा है और आप भी सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सैलानी जो है हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखा रही है जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा। अच्छा मैंने अभी आपको यहाँ पर ये नहीं बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे बताने में फख्र महसूस नहीं होता, मैं जस्ट एनरोल्ड हूँ जाता ही नहीं। अच्छा इसकी वजह क्या है, वहाँ पे जो मैं सीखना चाहता हूँ सिखाते नहीं, अभी मुझे 3 साल हो गए, अब जो 3 साल के बाद जो स्टूडेंट मेरे साथ थे ना अब वो मुझे मैसेज कर रहे हैं सर आप जो है ना हमें पर्सनल ट्रेनिंग दे देते हैं, मेरे बैच के हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, लेकिन उनको कुछ नहीं आता, क्यों, उन्होंने स्किल नहीं सीखा, स्किल पर तवज्जा नहीं दी, वो समझ रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिग्री ले लेंगे तो हम आ जाएंगे, अगर हमें काम आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आप इंडस्ट्री जाएंगे वो आपके डिग्री को अच्छा भी ये किया साइड पे आओ काम करके दिखाओ। हाँ तो मैं आपको फोन नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है लेकिन इस बात को आप ऑथेंटिक लें, अपना स्किल जो है वो अपने स्किल पर लाजमी तवज्जो दें। मैं सर इन तमाम को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर उन्होंने टाइम दिया और हमारी करियर काउंसलिंग की। तो प्लीज़ आप अगर आपको कोई भी आगे क्वेश्चन हो करियर काउंसलिंग के हवाले से या पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से फील्ड से रिलेटेड आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप नंबर नोट कर लेंगे 0340-8398-894 0340-8398-894 बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जुबैर भाई की है स्टोरी ये है, थैंक यू।
मेरे पास ये 6 महीने पहले आज के आए क्योंकि इनको 3-4 साल हो गए इनको माशाल्लाह बैठ के मैंने पढ़ने के लिए। इन्होंने मुझसे कहा यार नाम भाई हमने एनजीओ बनाना चाह रहे हैं 3-4 हो गए तो आप जरा बताएं कि क्या इसमें गाइड करें। तो मैंने इनको कहा कि यार उनैद भाई छोटी मशीन बनने से बेहतर है कि आप किसी बड़ी मशीन में छोटा पार्ट बनाए छोटा पुर्जा बन के अपने आप खिदमात अंजाम दें। तो मैंने इनसे कहा कि यार जुनैद भाई आप सबसे पहले तो सैलानी में आके पढ़ाए। अच्छा वो इन्होंने कहा सैलानी तो औरंगी में है नहीं लेकिन मैंने कहा चले जहाँ भी आप पढ़ाए तो आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर सैलानी का यहाँ पे भी हम ब्रांच खोल देंगे। अच्छा मगर अब आप देखेंगे अच्छी बात ये हुई है कि हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन से इनको मैंने कनेक्ट करवा दिया। अच्छा तो ये 4-5 लोग हैं जैफा है और मेरे इस तरह के कई बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जो औरंगी टाउन के रहने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह ये सारे स्टूडेंट को आपसे कनेक्ट करवा दूंगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे फायदा कैसे उठाते हैं। अच्छा अब मजीद जो ये तो दो को मैंने आपको दिखा दिया मजीद जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मजीद क्या कर चल रही है चीजें उसको देखने के लिए आप जाएंगे linkedin.com पे। अच्छा linkedin.com जरा खोल के दिखा दीजिएगा वेबसाइट है linkedin.com। इस वेबसाइट पे आप सब लोग अपने अकाउंट बना लें। अच्छा एक दूसरी वेबसाइट बता रहा हूँ fiverr.com। अच्छा करना कुछ नहीं है जस्ट अकाउंट बना लें fiverr.com के ऊपर अपना सब लोग अकाउंट बना लें या जितने भी लोग बैठे हैं। अच्छा तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो भी बना रहे होते हैं वो सब यहाँ शेयर कर रहे होते हैं। linkedin.com पे जाके आप जुबैर भाई का नाम लिख देंगे तो जुबैर भाई आ जाएंगे। अच्छा ये फेसबुक है डेवलपर्स का लिखा ये फेसबुक की तरह होता है तो ये लेकिन प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है। इसमें आप मेरा नाम लिखेंगे मेरी टाइमलाइन पे जाएंगे मेरे जितने स्टूडेंट जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो सब यहाँ शेयर होंगे। तो कोई हवाई बात नहीं है भाई ये रियल चीज़ है आप खुद जाके इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जुबैर भाई से कनेक्ट हो जाए आप सब लोग लिंक्डइन पे मुझसे हो जाए ज़्यादा से कनेक्ट हो जाए और किसी का अगर लास्ट में कोई छोटा मोटा सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं अदरवाइज मैं अपनी बात करूँ। किसी का कोई सवाल है जी आज आज जरा हाँ तो ये अच्छा मैं सवाल इनका रिपीट कर रहा हूँ। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि भाई प्रोग्रामिंग तो चैट जीपीटी से हो जाती है तो क्या कहते हैं अगले 4-5 साल में क्या ये प्रोग्रामिंग पूरी खत्म हो जाएगी और चैट जीपीटी आ जाएगा। भाई मैं जो आपको सिखाऊंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो चैट बॉट का जो कोर्स है वो असल में चैट जीपीटी एक फ्रेमवर्क है उसको लोगों ने समझा नहीं अभी। मैं तो सिखाई आपको चैट जीपीटी का चैट जीपीटी। अच्छा ये अच्छी बात है कि आपको ये पता है कि चैट जीपीटी सब चीज़ों को खा रहा है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ चैट जीपीटी बात ही खत्म होगी। और किसी का कोई सवाल अच्छा जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का थैंक यू सो मच सर दैट वाज सच एन इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन और खुदा उस काम की हालत उस वक्त नहीं बदलता जिस